नहीं अमलीजामा पहना है तो सर हम दोबारा बैठे सर, आप कैसे करेंगे एकदम कर लेंगे, दो काम तो हमें करना, चलो काम तो हमारे रोड के ऊपर ही है, साइड में पीछे हटके कर लेंगे जी, घर में बैठ के तो हम कर नहीं सकते, अपने घर में जाकर रेडी लगा लेंगे, वहां पर फंड करावा दोगे करेंगे तो अभी रोड पे हमें जगह पीछे करके दी जाए, उसके लिए भी सोचेंगे जैसा जो कोई गैर नजायज खट्टा है रेडी लेके गलत, उसके ऊपर जुर्माना करो, उस पर सजा लगाओ उसकी, जिसको गलत जगह में खड़ा है, हमारे में से कोई बंदा भी गलत करेगा तो हमारे पास सजा दो, हमें जहां कहेंगे वहां साइड में हो जाएंगे, ठीक है चलो कोई बात नहीं, हमारी यही गुजारिश आपसे, सर लड़ाई नहीं, ये महकमा क्योंकि गैर नहीं, ये भी हमारे हमारे हुआ है, हमारी किसी से कोई इतना बोल नहीं सकता, मैं कुछ ज्यादा बोल लिया नहीं चलो, पर लेकिन अब मैं एक बार महसूस कर रहा हूँ करने वाला तो परमात्मा है, ये कारण है, चलो कोई बात नहीं, ये सामने आया हमारे पास जो अफसर है, फर्क कहाँ पे कौन से शहर में बस स्टैंड पे नहीं दिखता है, देखो हमारे बाप की जगह नहीं है, सरकार की जगह है, हमें थोड़ा पीछा कर दिया जाए ताकि आने जाने वाले को कोई दिक्कत ना कोई नहीं, थोड़ा सा शास्त्र को दिक्कत ना, गाड़ी को दिक्कत, ये ना कहो कि हमें आप बंद करो और यहाँ से घर चले जाओ, बच्चे हम अपने घर पर जाएंगे, उसको कहाँ देर के जाएंगे, हमने पैसे लगाए मांग के कोई बात नहीं, लोगों से कर्जा टाटा के अपना काम, ऐसा कोई बुरा नहीं है, कोई सा भी लोग बता रहे हैं इतना बुरा इंसान, लेकिन इसका पेश हमारी पॉलिटी है, रेडी बड़ी बड़ी आप बंद करो, फल वाले सब्जी वाले आपका तो इतना होना चाहिए समाधान भी अपने आप ही कर, हम तो सर जहाँ रहेंगे और चाहे कोई बड़ी दुकान करे कोई छोटी दुकान, ठीक है जो भाग्य का मिला वो तुम्हें बिल्कुल है ना सर, हमें तो आज के दिन हमें सारी उम्र यही कट गई, थोड़ा देख कर एक बार और पीछे कर लेंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ कर लेंगे, लेकिन ये तो ना हमारा कई बार थोड़ा कट होगी, अपने बच्चों को रोटी क्योंकि मेरे को बताया सर, मेरा जो ट्रैक्टर पीछे का जो सिस्टम है 27 साल मैंने ड्राइविंग की है, सफाई तभी होगी अगर इनको कहीं स्पेशल जगह दी जाए, ये अपना पेट निकाल रहे सर, ये ऐसा बंदा कोई नहीं होगा जो रेडी फड़ी के ऊपर से फल सब्जी ना खरीदता हो, रेडी फड़ी ही एक ऐसी है जहाँ पे प्रेस मिलता है, आप दुकानों में जाके देख लो एक बार, सड़ा पड़ा है माल पीछे, रेडी फड़ी वाला सिर्फ उतना ही लेके आएगा जितना शाम को उसका निकल जाए, जो चीज है उसमें आप चंडीगढ़ लेकर देखो, उसमें दुकानदार को फायदा है और आम वासी को फायदा है, आम जनता को फायदा है, तो मेरी गुजारिश यही है कि रेडी फड़ी वालों के लिए भी कहीं ना कहीं स्पेशल जगह दी जाए, इसके बारे में हम उठा रहे हैं, हम का जो जगह ना ड्यूटी करनी है देखो वो भी जरूरी है, सर खाली करवा दो सारे, जिस दिन अगर यहाँ पीडब्ल्यूडी वाला हो फर्स्ट टाइम वो आए वो बोलने के लिए आए थे, मैंने उसी दिन थोड़ा सामान क्लोज कर दिया, मैंने वो बोला भाई मेरे आप सफाई कर दो, हम खुद ही ये चाहते हैं, अच्छी बात, मैंने 3 दिन कंटिन्यू दुकान नहीं खोली, सीसी कैमरा लगे आप उसमें चेक कर सकते हो, पर वो जो वर्कर थे पीडब्ल्यूडी वाले वो सिर्फ एक खाना पूर्ति करने के लिए आए थे, वो भी सिर्फ एक अपने रिश्तेदारों की वो सिस्टम करने के लिए, स्टाफ मेंबर है जी, ये अपनी मर्जी का ठोकर, हमारा फड़का सामान जबरदस्ती छीन कर ला रहे थे, हम इसको मना भी कर रहे भैया रहने दे, इकट्ठा कर ले, इसको यहाँ पर भी सभी चकड़े किया, उठा इसको सामान को गड्डी में गए, लोड नहीं और पीडब्ल्यूडी यहाँ देखा नजायज रेट आएंगे मैं बगैर कोई नहीं काम नहीं होगा यहाँ पे कोई नजायज काम नहीं, भाई साहब हकीकत है, हम हमारी जीवित मन्ना दिखे चमके कराई जाएगी, भाई साहब अपना वो रोड दिखाइए जरा हमको, भाई साहब जो भाई साहब खड़े हैं ना वो जो कार का वो नायर जी का बोर्ड लग रहा है वो ऑन रोड है और कितनी चद्दर है और वो फलुदा खड़ा है, भाई साहब खाली करो उधर, भाई मैंने कहा था ये खाली करो रोड, ये खाली करो इधर, मेरी बात सुनो, गाड़ी स्टार्ट करते एकदम बड़ा कोई चीज है, जो मेरी दरखास्त देखा है ना रेडी किन दिखाओ वहां आ जाए कहां से कब्जे करी बैठे आज इधर आओ आपको रोड है।